St. Paul Church, Visakhapatnam. विशाखापट्टनम, जो कि वायजैक के नाम से भी जाना जाता है, आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर एवं पूर्वी तट पर बसा चेन्नई और कोलकाता के बाद तीसरा बड़ा शहर है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी तट पर बसा ये बंदरगाह का शहर है, जिसे पूर्वी तट का रत्न कहते हैं। यहाँ भारतीय नौसेना के पूर्वी तट का नियंत्रण केंद्र है। भारत में समुद्री मार्ग से व्यापार के उद्देश्य से विदेशियों का आगमन हुआ और फिर धीरे धीरे उनके साम्राज्य का विस्तार होने लगा, जिसका इतिहास गवाह है। विशाखापट्टनम भी इससे अछूता नहीं था। समुद्री तट पर स्थित होने के कारण यहाँ भी 18वीं एवं 19वीं सदी में यूरोपियन के समूह आते थे और अपने रिवाज के अनुसार नियमित रूप से प्रार्थनाओं का आयोजन करते थे। जब ईसाइयों की संख्या बढ़ने लगी तो उन्होंने चंदे द्वारा पैसे इकट्ठे कर गिरजाघरों का निर्माण किया, जहां वे प्रार्थनाओं के साथ साथ मिशनरी के कार्यक्रमों का भी संचालन करते थे। उन्हीं गिरजाघरों में से एक विशाखापट्टनम के सिरीपुरम इलाके में बसा सेंट पॉल गिरजाघर है। ये चर्च ऑफ साउथ इंडिया CSI के कृष्णा गोदावरी सूबे के अंतर्गत आता है। आज भी ये भव्य गिरजाघर बिना किसी स्थानांतरण के अपनी जगह शान से खड़ा है। विशाखापट्टनम के सेंट पॉल गिरजाघर की स्थापना 1838 में हुई थी। अठारहवीं सदी में जब यूरोपियन यहां आए, तब उन्होंने अपने मिशनरी के द्वारा धार्मिक एवं सामाजिक सेवाओं को प्रदान करना प्रारंभ किया, और जहां मिशनरी नहीं थे वहां उच्च पद के सिविल सेवक इन कार्यों को देखते थे। में लंदन मिशनरी सोसाइटी के क्रैन एवं डेस ग्रेंजर्स नामक दो मिशनरी विशाखापट्टनम आए, जिनकी सेवाओं का 1917 तक इस्तेमाल किया गया। इसके बाद सारे कार्यों की देखरेख के लिए एक नियमित पादरी की नियुक्ति की गई। 1807 में मद्रास थल सेना के उच्च कमांडर ने सेना के हर स्टेशन में एक गिरजाघर की इमारत को बनवाने के लिए सरकार पर दबाव डाला। बहुत जल्दी इस काम को अमल में लाया गया और विशाखापट्टनम में भी गिरजाघर का निर्माण हुआ। विशाखापट्टनम का सैन्य स्टेशन महत्वपूर्ण होते हुए भी यहाँ कोई सरकारी गिरजाघर नहीं था, क्योंकि यहाँ के निवासियों ने स्वयं ही एक गिरजाघर का निर्माण किया जो उनकी जरूरतों को पूरा करता था। इस गिरजाघर से तब तक काम चलता गया जब तक कि ये टूट फूट कर मरम्मत के लायक भी नहीं बचा। इसके बाद एक सरकारी गिरजाघर का निर्माण किया गया। 1807 से 1837 के बीच विशाखापट्टनम के सामाजिक एवं सेना के संबंधित सभी अधिकारियों ने विशाखापट्टनम के उत्तरी उपनगर वॉल्टियर में अपने घरों को बनवाया और वहीं पर गिरजाघर का निर्माण भी करवाया गया। ये जगह समुद्र की ओर मुख किए अति मनोरम पहाड़ी इलाका था, लेकिन ये विशाखापट्टनम के पुराने चर्च से 4 मील की दूरी पर होने की वजह से लोगों को वहां जाने में कठिनाई होती थी और इस कारण से गिरजाघर में लोगों की उपस्थिति कम होने लगी। तब वहां के आवासीय इलाके में एक दूसरे गिरजाघर की आवश्यकता महसूस होने लगी और इस काम का नेतृत्व पादरी विंसेंट शॉर्टलैंड ने किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से इस काम के लिए चंदा इकट्ठा किया। मद्रास के तत्कालीन इंजीनियर कैप्टन JH बेल ने इस गिरजाघर को डिजाइन किया और उन्हीं के पर्यवेक्षण में 1838 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। उसी साल मुख्य पादरी स्पेंसर के द्वारा इस गिरजाघर को प्रतिष्ठित किया गया और इसका नामकरण सेंट पॉल के सम्मान में उन्हीं के नाम पर किया गया।
जिसका पूरा खर्चा संगठन के द्वारा ही उठाया गया। अठारह में संगठन के सदस्यों ने ही फर्नीचर आदि का अतिरिक्त योगदान भी दिया। नया हारमोनियम खरीदा गया, पादरी के लिए लकड़ी की मेज, तांबे का पाठ मंच, खिड़कियों के लिए रंगीन शीशे, पूजा वेदी की पृष्ठभूमि में ओक की लकड़ी की सजावट आदि को क्रमशः जोड़ा गया। शुरुआत में इस गिरजे की ना तो टावर थी और ना ही घंटा घर था। 1863 में बेल फ्री अर्थात घंटा घर का निर्माण किया गया और संगठन ने इसमें घंटे लगवाए। साल दर साल इसमें कुछ न कुछ जुड़ता गया और मरम्मत के काम भी चलते रहे। 1857 को बाहरी दीवार का निर्माण किया गया। 1899 का विस्तार किया गया तथा 1899 में पूरी छत का पुनर्निर्माण किया गया। ९९१ में कम्युनिटी हॉल का निर्माण किया गया। इसकी आधारशिला श्रीमान एल्फ्रेड डब्ल्यू जेलिमा द्वारा रखी गई थी। इस इमारत का विस्तार किया गया और 1995 में फिर से इसका प्रतिष्ठापन हुआ। इस पूरे बदलाव के वक्त काठ की नक्काशी वाले रेरी डोज को संभाल कर रखा गया और बाद में उसे मुख्य द्वार के पास सजाया गया। इतने सारे जरूरी बदलाव एवं विस्तार के बावजूद इस गिरजाघर की मूल संरचना की सुंदरता कायम है। शुरू में एंग्लिकन मूल की ये गिरजाघर अब कृष्णा गोदावरी सूबे के अधीन है। कृष्णा गोदावरी सूबा CSI के 22 सूबों में से एक है और आंध्र प्रदेश के सूबों में सबसे बड़ा है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग के ओंगोल से लेकर श्रीकाकुलम जिले तक इसका विस्तार है। सेंट पॉल गिरजाघरों की देखरेख सेंट जॉन की पैरिश द्वारा किया जाता है एवं प्रेसिबिटरी के अधिकारी इन गिरजों का धार्मिक कार्यवहन करते हैं। सेंट पॉल गिरजाघर की बनावट बाहर एवं भीतर दोनों ही ओर से अत्यंत आकर्षणीय है। बाहरी दीवारों का रंग बिल्कुल सफेद है और गिरजे के सामने मुख्य द्वार के ऊपर घंटाघर बना हुआ है। इस घंटाघर की छत की आकृति गुंबज के समान है जिसकी चोटी पर लाल रंग का क्रॉस दूर से ही नजर आता है। के चारों ओर चार खिड़कियां हैं जिन पर क्रॉस लगी हुई है। मुख्य द्वार के सामने दो मजबूत स्तंभ मौजूद हैं जिन पर पोर्टिको टिका हुआ है। गिरजाघर के अंदर की दीवारें भी सफेद रंग की हैं। प्रार्थना सभागृह काफी विशाल है और इसके चारों तरफ की खिड़कियों से काफी रोशनी एवं हवा का संचार होता है। एक खूबसूरत आर्च पूजा वेदी एवं सभागृह को अलग करता है। पूजा वेदी की दीवार पर तीन आर्च की आकृति के डिजाइन लगे हुए हैं। बीच की आर्च लंबी है जिस पर क्रॉस बना हुआ है और इसकी पृष्ठभूमि को नीले रंग से रंगा गया है। वेदी के सामने एक लकड़ी की मेज रखी हुई है जहां से पादरी लोगों को संबोधित करते हैं। इसके अलावा वेदी के दोनों किनारों पर व्यासपीठ रखे गए हैं जहां से लोगों को संबोधित किया जाता है। इन व्यासपीठों के बगल में लकड़ी की सुंदर रेलिंग बनी हुई है। कहीं भी किसी भी दीवार पर कोई चित्र या मूर्तियां नहीं बनी हुई हैं। सामान्य संरचना के बावजूद भी ये गिरजाघर अत्यंत भव्य एवं आकर्षक लगता है।
विशाखापट्टनम के सेंट पॉल गिरजाघर के संरक्षक संत सेंट पॉल हैं। अपोस्टल सेंट पॉल का असली नाम सॉल ऑफ टॉर्सस था, जो ईसाइयों के पहली पीढ़ी के नायकों में से एक थे। इन्हें ईसाई धर्म के इतिहास का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। इन्हें पीटर एवं जेम्स जितना सम्मान नहीं मिला, अतः अपनी योग्यता को साबित करने के लिए सेंट पॉल को काफी संघर्ष करना पड़ा। वे पहली सदी के 40वें एवं 50वें दशक में मिशनरी के रूप में बहुत सक्रिय थे। उन्हें यहूदी एवं रोमन दोनों की नागरिकता प्राप्त होने की वजह से इस स्थिति का भरपूर लाभ मिला। उन्होंने दोनों श्रोताओं के बीच जाकर काम किया। कहा जाता है कि एक बार वे जेरूसलम से डेमेस्कस की ओर जा रहे थे, अचानक राह में ईसा मसीह एक तेज आभापुंज की भांति उनके सामने प्रकट हुए। ये देखकर उनकी आंखें चौंधिया गई और वे अंधे हो गए। 3 दिन बाद डेमेस्कस के एनानियस ने उनकी आंखों की रोशनी को वापस लाया। इस घटना के बाद से पॉल ने ये प्रचार करना प्रारंभ किया कि नैजरेथ के जीसस यहूदी मसीहा हैं और वे ईश्वर के पुत्र हैं। आज पॉल के धर्म पत्र ही पश्चिम के कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट तथा पूर्व के रूढ़िवादी गिरजाघरों में पूजा पद्धति, धर्म सिद्धांत, पैस्टोरल जिंदगी आदि के लिए बहुत जरूरी बन गया है। पॉल अन्य जातियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपोसल थे। उन्होंने कई यहूदियों एवं बुद्ध परस्तियों को ईसाइयों में परिवर्तित किया। वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे तथा उनका मानना था कि ईश्वर एक है और वे पवित्र आत्मा के रूप में लोगों के बीच काम करते हैं। ईश्वर ने मानवता के उद्धार के लिए अपने पुत्र जीसस को धरती पर भेजा था। पॉल ने दुनिया के कई कोनों में यात्राएं की। इस दौरान उन्होंने गिरजाघरों की स्थापना की और लोगों को उपदेश दिए। लोगों के संदेश निवारण के लिए पॉल उन्हें पत्र लिखा करते थे। उन्हीं बचे हुए पत्र के अंश आज बाइबल में मिलते हैं। पॉल को यहूदी लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि पॉल लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं। इसी कारण से उन्हें रोम में बंदी बनाकर वहां के राजा नीरो के आदेश पर उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया और इस तरह वे शहीद हो गए। सेंट पॉल मिशनरियों, इवेंजलिकों, लेखकों, पत्रकारों, रस्सी एवं टेंट बनाने वालों आदि के संरक्षक संत हैं। इनका जश्न दिवस जून 29 को मनाया जाता है। इस दिन उन्हें सेंट पीटर ने सम्मानित किया था। इसके अलावा 25 जनवरी को धर्म परिवर्तन के लिए, 16 जनवरी को जहाज की तबाही के लिए तथा 18 नवंबर को उनके बेसिलिका को समर्पित करने के लिए जश्न मनाए जाते हैं। इस गिरजाघर में रविवार को सुबह 8:30 बजे एवं शाम के 4 बजे सामूहिक प्रार्थना का आयोजन होता है तथा सोमवार से शनिवार के दिन सुबह 6:30 बजे प्रार्थनाओं का आयोजन होता है। क्रिसमस, नया साल, गुड फ्राइडे, ईस्टर आदि त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं। गुड फ्राइडे यहाँ खासा उत्साह के साथ मनाया जाता है। उस दिन लोग सादे कपड़ों को धारण करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा सजने सवरने का दिन नहीं होता है। Thank you.
महीने में सेंट पॉल का जश्न मनाया जाता है। हर उत्सव के उपलक्ष में विशेष पूजा एवं प्रार्थनाओं का आयोजन किया जाता है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के प्रमुख नगरों में से एक होने की वजह से यहाँ सभी प्रकार की यातायात की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस शहर की रेल तथा सड़क की लाइनें भारत के अन्य शहरों से भली भांति जुड़ी हुई हैं। यहाँ का हवाई अड्डा शहर के केंद्र से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हवाई अड्डे से टैक्सी द्वारा अपने गम्य स्थान तक पहुँचा जा सकता है। सरकारी एवं निजी बस दोनों की सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं। रेलवे स्टेशन से ऑटो रिक्शा, टैक्सी अथवा बस के द्वारा विशाखापट्टनम के सिरीपुरम इलाके में सर्किट हाउस के सामने स्थित सेंट पॉल गिरजाघर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। सेंट पॉल गिरजाघर में भक्त आकर श्रद्धा भक्ति से प्रार्थना करते हैं। जीसस के संदेश एवं सेंट पॉल के धर्म सिद्धांतों का पालन करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। प्रभु ईसा मसीह एवं सेंट पॉल की कृपा सब पर बनी रहे और उनके अनुग्रह से भक्तों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। गॉड ब्लेस अस।